तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ये शॉर्ट किलर कैसे वर्क करता है। हालांकि हम जो आपको शॉर्टिंग भी निकाल के दिखा रहे हैं, आप और एक फोन भी देखेंगे कि चालू होता है कि नहीं होता है, इसका कुछ और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर व्हाइट स्मोक, एक्चुअल में इसका नाम व्हाइट स्मोक है क्योंकि ये व्हाइट कलर का स्मोक फैलाता है इसके ऊपर। सो अब डीसी मशीन से इसमें कुछ खासियत है क्या? डीसी मशीन में हांगकांग की डीसी मशीन है। आखिरी में आप देख रहे हैं एम्पियर का, यहाँ जहाँ पे चार डिजिट आपके नॉर्मल डीसी में 2 एम्पियर में 2 होते हैं और 5 एम्पियर में आपके 3 होते हैं, यहाँ 4 डिजिट है। ये हमको बता सकता है सीपीयू का फॉल्ट। अब हम इसे शॉर्ट किलर से इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे जो कि पहले एशिया टेलीकॉम में है। सबसे पहले आप हम ये बेच नहीं रहे तो हमको बिल्कुल कॉल मत करना, सर ये कितने का है, हमको चाहिए। मैं नहीं बेच रहा हूं, अगर आपको ये खरीद रहा है तो नीचे मैं नंबर दे दूंगा, जेड एक्स मलिक ये आपको देंगे, ध्यान रखिएगा। और एक दो मोबाइल पे हमने चालू किए सीपीयू रिकॉल करके, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा सर। मतलब अभी हमारा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि हम कब घर पे जाएंगे सर, और कब अपने जो डेड मोबाइल पड़े हैं उनको रिपेयर करेंगे और प्रोग्रामिंग करके चलेंगे। इजी जेट है और यूएफआई सब एकदम दिमाग में बढ़ गया सर। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? आपका चैनल, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और मेरे साथ में हैं मेरे 28 जुलाई बैच के स्टूडेंट। और मैं आपको बिल्कुल खास चीज बताने वाला हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो अब तक हमारे हिंदी में और किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला होगा, डाला भी है तो जापानीज या इंग्लिश में डाला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए मधुबन क्या बताने के आज हम? दोस्तों अपन आपने के पास एक नया शॉर्ट किलर है, दिखाओ वहां पर। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ये शॉर्ट किलर कैसे वर्क करता है। हालांकि हम जो आपको शॉर्टिंग भी निकाल के दिखा रहे हैं, आप और एक फोन भी देखेंगे कि चालू होता है कि नहीं होता है। तो ये हम अभी लाइव है अपनी क्लास के साथ में, यहाँ दिखा दीजिए। सो हम यहाँ पर अभी लाइव है डेड मोबाइल की क्लास के साथ में, जहां पर हम इसको एक बार प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। सो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट है, सो आप बताइए यहाँ पर, देखो इधर आ जाए थोड़ा पास में आ जाओ। सो यहाँ पर फोन को ऊपर से दिखा दो, स्क्रीन से बता दो क्या क्या है। ये कौन सा फोन है पहले ये बता दीजिए? ये सैमसंग का है, इसमें है फुल शॉर्ट सेट है, फुल शॉर्ट सेट है, सैमसंग का फोन है। और आप यहाँ पर एक देखिए, हमने यहाँ पर सब जगह क्या लगा के रखा हुआ है बताइए? वाइड स्मोक। देखिए दोस्तों इसका नाम जो है वो वाइड स्मोक है। अगर आपको ये लेना है, आप नॉर्मल किसी भी आप किसी को, आप बाबा वाले को कॉल कर लो, आप जेडएक्स मलिक, मैं नंबर दे दूंगा नीचे, अब उनको कॉल कर लो तो ये आपको वाइट स्मोक मिल जाएगा। ये इसका कुछ और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, पर वाइट स्मोक, एक्चुअल में इसका नाम वाइट स्मोक है क्योंकि ये वाइट कलर का स्मोक फैलाता है इसके ऊपर। सो अब हम इसको क्या करेंगे? सो यहां पर हम काम कर रहे हैं प्राइमरी लाइन पे क्योंकि ये फुल शॉर्ट है। अगर ये सेकेंडरी लाइन होता तो भी हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। यस सर। सेकेंडरी लाइन पे प्राइमरी लाइन पे वोल्टेज देने से क्या शॉर्टिंग हटती है क्या? नहीं सर, नहीं हटती है। तो उधर अपन वो मल्टीमीटर और किसको कॉम्बो करके सर चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे। पर आज हम किससे बता रहे हैं? शॉर्ट किलर से। ये वाला जो हम किससे निकाल सकते हैं? और डीसी मशीन से। इसमें कुछ खासियत है क्या डीसी मशीन में? हांगकांग की डीसी मशीन है। आखिरी में आप देख रहे हैं एम्पियर का, यहाँ जहाँ पे 4 डिजिट आपके नॉर्मल डीसी में 2 एम्पियर में 2 होते हैं और 5 एम्पियर में आपके 3 होते हैं, यहाँ 4 डिजिट है। ये हमको बता सकता है सीपीयू का फॉल्ट, कि अगर लगाते साथ कि सीपीयू में फॉल्ट है कि नहीं है। चलिए ठीक है, और ये क्या है, क्या सारी चीजें आपको पता चलेगी यहाँ आकर। आगे चलते हैं, बताइए, चले स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस हांगकांग इस शॉर्ट किलर में एक आपका ये पोर्ट दिया हुआ है, ये आपका डीसी लगाने का है, जो थोड़ी यहाँ पे हम एसी बोल देंगे इसको, यहाँ इसको बंद चालू करने का है, और यहाँ इसके प्रोब दिए हुए हैं। तो पहला प्रोब है आपका ये ग्राउंड करने का और दूसरा प्रोब है प्लस, और यहाँ पे हम वोल्टेज को कितना सेट करेंगे? तो 1.5 पूरा एक्सप्लेन कर दो तरह। हम इसमें 1.5 सिलेक्ट करेंगे जिसमें से फिर आप हमें से शॉर्ट किलर से शॉर्टिंग निकालेंगे प्राइमरी लाइन पे। प्राइमरी लाइन अगर सेकेंडरी होता तो वो भी हम कर लेते कि नहीं कर लेते? चलिए बात दिखा दीजिए जरा, बंधुवन आप पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए, ऊपर दिखा दीजिए, देखिए पहले हम और हम कहा कर पहले इनको बीप दिखा दो, यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा मल्टीमीटर से। मधुबन मल्टीमीटर पकड़े जरा, बड़े वो वाले ले जिसमें ज्यादा आवाज आ रही है मल्टीमीटर से, ये तो यहाँ पे मल्टीमीटर में पहले शॉर्टिंग दिखा दीजिए आप। ये मल्टीमीटर है, इसमें देखिए ऊपर दिखाओ, ये आप नीचे देखिए, नीचे दिखा दो चलो, और ये शॉर्टिंग आ रही है इसमें, फुल शॉर्ट सेट है ये, ठीक है, मतलब अपना बी बैक माइनस हो चुका है। तो अब
हमने इस पर वाइट स्मोक लगाया हुआ सब जगह पर, जो हमारे स्टूडेंट ने किया हुआ है, टीचर ने भी किया हुआ है। अब हम इसे शॉर्ट किलर से इसकी शॉर्टिंग निकालेंगे, जो कि पहले एशिया टेलीकॉम में है, सबसे पहले पहले आप हम ये बेच नहीं रहे तो हमको बिल्कुल कॉल मत करना सर ये कितने का है, हमको चाहिए हमको चाहिए। मैं नहीं बेच रहा हूं, अगर आपको ये खरीद रहा है तो नीचे मैं नंबर दे दूंगा जेडएक्स मलिक, तो जेडएक्स मलिक ही आपको देंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अब ऊपर दिखाइए, ये नीचे तो ये एक आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं सर ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तो ये हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं। देखिए एक प्रोट ग्राउंड करेंगे माइक्रोस्कोप में दिखाइए, और ये बी वेट पे रखेंगे, और वोल्टेज को कितने वोल्टेज में चेक करेंगे, वहां पे बताओ वोल्टेज बताओ वहां पर शॉर्ट किलर में 1.5 से ऊपर मत रखिएगा दोस्तों, 1.8 तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अगर सेकेंडरी लाइन चेक कर रहे हो तो आपके पूरा पावर ऐसी को रह सकता है ये। अच्छा देखिए यहाँ पर दिखाइए, ऊपर ले जाइए, पहले एक बार नीचे दिखाइए, ये बी वेट पे प्रोट रखा और आप ऊपर देखिए, ये देखिए गाइस शॉर्टिंग। तो यहाँ पर अब देखो धुआं भी निकला है और आपका एक कैपेसिटर है, अब इस कैपेसिटर को क्या करें हम यहाँ से इसे रिमूव करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मेरे पास में मान लो मैं पूरी क्लास से पूछना चाहता हूँ शॉर्ट किलर क्या हम सबके पास है क्या, नहीं है तो बहुत महंगा है, तो लोग बोलेंगे सर हम तो बिना शॉर्ट किलर के निकाल देंगे, पर हम निकाल सकते हैं ना, बिना शॉर्ट किलर के भी निकाल सकते हैं, पर शॉर्ट किलर एक आधुनिक एक एडवांस है, हमें अपडेट होना पड़ेगा आगे जाकर भविष्य में, तो कुछ ना कुछ होगा इसमें जो एक खास चीज होगी। सो देखा 1.5 में निकाला है, क्योंकि हमने देखा कि 2 एम्पीयर के डीसी का मशीन के साथ नहीं निकला है, 5 एम्पीयर के साथ निकला है। तो अब हम यहाँ पे दिखाइए स्टूडेंट निकाल रहा है, यहाँ पर उसको पूरा दिखाइए, ये देखिए कंपोनेंट निकाल दिया हमने कैपेसिटर, अब वो कैपेसिटर चेक करो खाली कि कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं है, कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं और दूसरी चीज क्या होते हैं बोली लीकेज पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अभी हम कैपेसिटर चेक करेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है, ऊपर दिखाइए मीटर पे दिखाइए, रुकिए बीप आ दीजिए, ठीक कैपेसिटर आपका क्या दे रहा है शॉर्ट, अब वापस बी बैक चेक करो जरा, और पहले वो लाइन पहले में चेक करो वो कैपेसिटर जहां पर निकला गया वहां पर चेक करो, नहीं उसको ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं सर, पहले में दिखा दो जरा वहां पर दिखाइए। तो देखिए हमारे स्टूडेंट ने बताया कि ये लाइन पैरेलल में है, ठीक है रीडिंग आ रही है, बी बैक पर रीडिंग चेक कराइए, देखिए बी बैक पे ऊपर ही से दिखा दो, अब देखो बी बैक पे हमने बाबत लगा रहे हैं यहाँ पर तो कोई शॉर्टिंग नहीं है, देखो मीटर में दिखाइए, मीटर में दिखाइए सही प्रूव रखो प्लस माइनस, ये उल्टा रखा हुआ, ये देखिए बी बैक की रीडिंग, अब एक बार मोबाइल फोन को चालू करके देखिए डीसी के साथ लगाइए फोन कॉम, देखिए यहां पे फोन चालू हो गया है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप यहां आना चाहते हैं तो बहुत सारी नई एडवांस चीजें आपको पता चलेगा, यहां पर मैं अपने स्टूडेंट एक दो यहां पर खड़े करके जैसे आप हो जाओ मैं आपको इनको चेक करा कर रहा हूं, जैसे आपको कितना साल हो गया यहां पर मतलब पहले से वर्क करते हुए
मैं इसलिए मैं रीजन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आज भी लोगों की मेंटेलिटी यही है कि मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आपकी भी फीलिंग यही थी क्या? सच बताइए, मतलब आप यही सोचते थे कि 8 साल में और काम भी बहुत अच्छा था और कर भी लेते थे, ऐसा नहीं है? पर जब आप यहाँ पहले दिन आए और जब आप आए तो अब आपने कितना पढ़ गया, आपको क्या लगता है? ऐसे लगता है सर जीरो लेवल पे है। अब आपने बहुत सारी चीजें जो आपके साइड जा चुके थे वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बता सकता है, ऐसे लगता है मैं जैसे बना हुआ सेट को वापस कर रहा हूं। बना हुआ सेट वापस कर रहे हैं, मतलब एक आदमी को ऐसा सेट दे रहे हैं जो हम ऐसे भी निकाल देते थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज हमारे एक और मैं अपने टीचर को लॉन्च करना चाहता था बट वो अभी इसी समय नहीं है, नहीं तो हम उनको ऑफिशियल लॉन्च करते हैं हमारे एक नए टीचर, क्योंकि वो हमारी क्लास लेते हैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और फिर 12 बजे के बाद नया क्लास लेता है 5 बजे तक, जहां कोई भी कॉपी किताब पहले आया। सर्किट मेन सर्किट ट्रेसिंग का है दोस्तों, आईसी निकालना लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए। बहुत महान लोग भी आईसी निकालना लगा लेते हैं, तो अब हम भी निकाल लेंगे लगा लेंगे। मेन होता है कि आईसी कब निकाले और कब लगाए, ट्रेसिंग बहुत मेन होता है और विदाउट सर्किट डायग्राम ट्रेस सीखना होता है क्योंकि हर मोबाइल फोन का डायग्राम नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए ठीक है, इसी तरह जुड़े रहिए इंस्टीट्यूट के साथ, मेरे चैनल के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और मैं पहली बार बता देता हूँ शॉर्ट किलर मैं शॉर्ट किलर नहीं बेच रहा हूं, ये बेच रहे हैं ZX भले, नीचे नंबर दे दूंगा मैं, आप उनको कॉल लगाइए, व्हाट्सएप कीजिए मुझसे बारे अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बाकी लोगों को नहीं बताऊंगा। अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझसे मत खरीदेगा, ये हमने खुद मंगवाया है और ये हमारे पास एक ही है और अभी मुझे नहीं पता हिंदुस्तान में किसके पास है, पर अभी फिलहाल एज इंस्टीट्यूट से मेरे पास है। तो इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ और इसी तरह से क्या हम आप रहते हैं वो जाएंगे इंडिया का नंबर वन कौन है। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज आप जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते हैं, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट ये इंडिया में, वो भी जबलपुर में, मतलब कोई मिलना है छुट्टी है तो वही सब बाबा चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर आपको ही नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। नहीं सर पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, बैठे अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है, पहले तो वो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ कहीं रहे हैं, सही बात चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड हो वाला है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकते हैं, और हमें तो सर्वर नहीं मिल गया तो जो तरक्की बनाना था अच्छा मोबाइल बना के वो टेक्नीशियन लोग तो वो भी बहुत देते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट करते, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे हमको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया, मैंने कैसा है क्या है मॉडल दुनिया में, हम लोग से अच्छा है, हाँ दारू में सब कुछ बना होगी अच्छा, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के मॉडल मिले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?
आपके में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था है तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला नहीं था सर, हमने पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं कैपेबिलिटीज के अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैं। अच्छा जी सर सुना, जी सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, तो यहाँ पे सबसे बेटर ये लगा सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं कभी भी सर की वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक होता था, वो एक्चुअली जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, इसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीख जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Council 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Council 9001 and 2835 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.